हेलो फ्रेंड्स, केम छो? वेलकम बैक टू आवर चैनल। हम आ गए हैं मेहसाणा जिला के मोधेरा गांव में स्थित सुप्रसिद्ध सूर्य मंदिर। यहाँ पे एक म्यूज़ियम भी बनाया गया है और ये म्यूज़ियम जाने का रास्ता ही है। बीच बीच में ऐसे स्कल्पचर रखे गए हैं और म्यूज़ियम के अंदर भी अलग अलग टाइप्स के स्कल्पचर रखे गए हैं। के अंदर की ओर, यह मंदिर सूर्य देव के प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है और इसका अपना ही ऐतिहासिक महत्व है। इस मंदिर का निर्माण सन 1026-27 में सोलंकी वंश के राजा भीमदेव प्रथम द्वारा किया गया था। जैसे आप देख पा रहे हो, मंदिर के हर स्तंभ में अलग अलग कलाकृतियों को बारीकी से नक्शीकाम किया गया है और हर स्तंभ में कुछ न कुछ कहानियां दर्शाई गई है। आपने देखा होगा, सूर्य मंदिर के दो अलग अलग मंदिर है पर एक्चुअली में ये तीन भाग में विस्तृत किए गए हैं। मंदिर की बाहरी ओर आपने एक स्टेप वेल जैसा देखा होगा, दरअसल वो स्टेप वेल नहीं, सूर्य कुंड है और स्थानिक लोग इसे राम कुंड भी कहते हैं। और ऐसे ही ये भी एक मंदिर का भाग है जिसे सभा मंडप कहते हैं। इन स्तंभों की यह विशेषता है कि अगर आप इन स्तंभों को नीचे की ओर से देखोगे तो अष्टकोणाकार और ऊपर की ओर से देखोगे तो गोलाकार दिखाई देंगे। वैसे ही इन स्तंभों में रामायण और महाभारत के कुछ प्रसंगों को दर्शाया गया है। सभा मंडप के सामने सूर्य मंदिर का मुख्य मंदिर है। वैसे तो इस मंदिर को सूर्यवंशी राजाओं ने बनाया है, परंतु आश्चर्य की बात यह है कि इस मंदिर का उल्लेख हमारे पुराणों में और रामायण में भी मिलता है। एक कथा के अनुसार, जब प्रभु श्री राम ने रावण का वध किया था तब उनको ब्रह्म हत्या का पाप लगा था। तब गुरु वशिष्ठ ने आत्मशुद्धि और ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति के लिए प्रभु श्री राम को यहाँ आने के लिए कहा था। मंदिर की बाहरी दीवारों पर 12 आदित्यों, दिक्पालों, देवियों तथा अप्सराओं की मूर्तियों का समावेश किया गया है। सूर्य मंदिर के साथ में एक भोलेनाथ का छोटा सा मंदिर भी है, वो भी दर्शन कर लेना। और यहाँ पे हर शाम को लाइट शो होता है, जो कि वो एंट्री फीस जो है 25 रुपये, उसमें ये इंक्लूड होता है। तो हर शाम को 7 बजे से प्रोग्राम शुरू होता है। 7 का एक प्रोग्राम है और 7:30 का दूसरा प्रोग्राम है और हर सोमवार को बंद रहता है वो। हम जो इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं वो काफ़ी रिसर्चों के बाद शेयर करते हैं, तो भाई एक लाइक तो कर ही देना। और मेरी एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखना, क्योंकि अंत में जो प्रोग्राम होने वाला है उसमें भारतीय सभ्यता के बारे में बहुत डिटेल में बताया गया है। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि बिना स्किप किए आप इस वीडियो को देखना। ये लाइट एंड साउंड शो की तैयारियां शुरू हो गई है, अभी कुछ ही देर में चालू हो जाएगा। आपने बुरसत वाला वीडियो देखा नहीं है तो आई कार्ड में डाल दूंगा, आप चेक कर लेना एक बार। और गाइस, ये वीडियो बनाने के लिए बहुत मेहनत लगी है, तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो और देखने के लिए आप हमारे प्लेलिस्ट को भी चेकआउट कर सकते हैं। और अब एंजॉय द शो। Thank you.
पुराने और आधारभूत ऋग्वेद के पहले मंत्र में सूर्य का मकान बनती है दिशा, और सूर्य से मिली मंदिर से भी शुरू होती है ऋग्वेद की पहली दिशा। जो सूर्य के प्रकाश और ऊष्मा होती जो तारामल और ज्वालामुखी में प्रलयकारी विध्वंसक के रूप में विद्यमान थी, अग्नि जो चौखट पर पहरेगा तथा चूल्हे में एक मित्र के रूप में भी मौजूद है, तभी वो भारत की नहीं पुरातन विश्व में राम दक्षिण अमेरिका में एपी अफ्रीका में लीजा फारस में अभी चीन में चुनाव जापान में तालुक सूची और कोच तुर्की में अलास यूनान में हेलेस्टोस हेलिकॉस और रोमन में वाल्केन और फीनस जैसे पौराणिक अग्नि स्वरूप देवों की कल्पना विद्यमान है।
के अनंत गुणों का प्रभाव ही तो है कि सारे संसार में आदिकाल से सूर्य की अर्चना आराधना और सूर्य मंदिरों का निर्माण होता रहा है। दक्षिण अफ्रीका के इंका काल के सूर्य उपासना स्तूप, मिस्र के रामसेस मंदिर परिसर में स्थित सूर्य मंदिर, रोम और यूनान, चीन और जापान, मेसोपोटामिया और ईरान के सूर्य मंदिर और भी दुनिया भर में न जाने कितनी सभ्यताओं ने अपनी अपनी तरह की सूर्य उपासना और मंदिर परिसर देखे हैं। उत्तर में कश्मीर में बना मारकंड मंदिर, जहां भारत भर के मंदिर परिसरों में सबसे विशाल है। पूर्व में ओडिशा का कोणार्क मंदिर सबसे वैभवशाली, पूर्वोत्तर में असम और मणिपुर के सुंदर सूर्य मंदिर देखने मिलते हैं, तो दक्षिण में तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक आदि के सूर्य मंदिर अपनी अलग छटा रखते हैं। उधर उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, हरियाणा और हिमाचल में भी सूर्य मंदिरों की हार माला से बनी है। किंतु यदि मैं कहूं कि देश के पश्चिम में अपने गर्वी गुजरात में अपने इस मोढेरा में सदियों से स्थित आपके सामने खड़ा यह सूर्य मंदिर संसार का सबसे विलक्षण, विचित्र, वैविध्यपूर्ण, सुंदर, सुरूप, सुघर और सुघर मंदिर है, यह अतिशयोक्ति नहीं होगी। ग्यारहवीं सदी में चालुक्य घराने के सूर्यवंशी सोलर की सम्राट भीम ने प्रथम ने तो यहां एक चमत्कार ही कर दिखाया। सम्राट भीमदेव प्रथम एक बड़े वीर और प्रतापी राजा थे। एक तरफ उन्होंने सोमनाथ का मंदिर तोड़ने वाले महमूद गजनवी से टक्कर ली और उसके तोड़े सोमनाथ को दोबारा से खड़ा किया, तो वहीं पूरे गुजरात में तमाम नए किले, मंदिर, तालाब और बाग बनवाए, उनके अद्भुत शिल्प प्रेम के आज तक साक्षी है सिद्धपुर का रुद्र महालय, पाटन का सहस्त्र लिंग तालाब, आबू और देवबाड़ा के मंदिर। वहीं उनकी प्रिय पत्नी रानी उदयमती ने बनवाई थी राणा की ईदगाह। किंतु इन सारे स्थापत्य और शिल्प के नमूनों से कहीं ऊपर था राजा भीमदेव का पुष्पावती नदी के किनारे सन 1026-27 में करवाया इस सूर्य मंदिर का निर्माण। भैसाणा से 20 किलोमीटर दूर बने इस मंदिर में आज नदी भले थोड़ी दूर चली गई हो, पर मंदिर के ठीक सामने बना सूर्य कुंड इस सुंदर परिदृश्य में पानी की कमी खलने नहीं देता। सूर्य के प्रकाश पुंज और जल का यह खेल पूरे परिसर को तरंगित और झलकर तक रहता है। Thank you.
विविध देवी देवताओं की मूर्तियां इस मंदिर को एक अलग खास चरित्र भी दे रही है। इसका एक और नाम है रामकुंड। और क्यों रामकुंड? जबकि यहाँ विस्तृत धर्मारण्य वन क्षेत्र में ही श्री राम ने मोढ़ेर का निर्माण करवाया है। इस कुंड के पानी में मंदिर इस तरह प्रज्वलित होता है कि लगभग मानो अग्नि और जल कुंडों का उच्छेद किए गए। चलते ही एक सुंदर तोरण आपका स्वागत करता है। तोरण से उतर हुए जैसे ही आप मंदिर के पास पहुंचते हैं, एक नया संसार सामने आकर होता है। मंदिर के सभा मंडप के सोपान पर बने 12 खंभे साल के 12 मास दिखाते हैं। तो 12 महागुप्त और 12 गौरी भी यहाँ पत्थर पर उकेर गए हैं। सूर्य देव को समर्पित के सामने में शिव विष्णु और ब्रह्मा जी विद्यमान है। और इस मंदिर के हर कोने में खड़े हैं 10 मुखवाद यानी इंद्र वायु अग्नि और कुबेर जैसे देव। आज भी हजारों तीर्थ यात्री यहाँ उत्तराख महोत्सव मनाने और सूर्य को प्रणाम करने आते हैं। इस हेरिटेज साइट पर हजारों देशी विदेशी सैलानी भारत के इस विलक्षण सूर्य मंदिर को देखने, समझने, इसकी वैज्ञानिक पहेलियों को बूझने चले आते हैं। संसार और विशेषकर भारत में बने अधिकतर सूर्य मंदिरों की तरह मोढ़ेरा के मंदिर को बहुत वैज्ञानिक सोच समझ से बनाया गया है। पूर्व पश्चिम धुरी पर पूर्वोन्मुखी यह मंदिर इस तरह रचा गया है कि विश्व पर्व के दिन यानी उस दिन जब दिन और रात ठीक बराबर होते हैं, सूर्य की पहली किरण सीधे गर्भगृह में स्थापित सूर्य प्रतिमा पर ही गिरती थी। आज हमने सूर्य की कृपा को एक अलग तरह से भी बटोरना, सहेजना और संभालना शुरू कर दिया है। सोलर पावर या सौर ऊर्जा के रूप में आज जब हमें अपनी धरती और पर्यावरण को खनन और प्रदूषण से बचाना है, तो ऐसे में भी सूर्य देवता ही तो हमारे सबसे बड़े मित्र बनकर सामने प्रकट हुए हैं। यह बैठकर जो शो आप देख रहे हैं वो भी दिन में इकट्ठी की गई सौर ऊर्जा से ही चल रहा है। और क्यों नहीं, जब हमारा भारत प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के प्रोत्साहन और नीतियों से दुनिया का चौथा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा बनाने वाला राष्ट्र बन गया है। गुजरात देश का पहला राज्य है जिसने सौर ऊर्जा को ध्यान में रखते हुए नीतियां बनाई, निर्णय लिए। हमने नेहरू तट पर 16 कैमरे लगा दिए और जिसकी चर्चा विदेशों में तक है। आज भारत रिन्यूएबल एनर्जी के उत्पादन के मामले दुनिया की चौथी बड़ी ताकत है, दुनिया की। आज भले ही इस मंदिर से सूर्य की मूर्ति हट गई हो, पर सूर्य ने अपनी कृपा दृष्टि कभी हमारे संसार से नहीं हटाई। सूर्य मंदिर में फिर आए और कभी प्रदीप की लिखी पंक्तियों से आकाश में विद्यमान सूर्य
से गुहार लगाई कि जगत भर की जिंदगी के लिए, करोड़ों की रोशनी के लिए सूरज रे चलते रहना, सूरज रे चलते रहना। फ्रेंड्स, ये आप लोगों ने देखा वो था लाइट एंड साउंड शो। बहुत गजब था, मेरा एक्सपीरियंस तो एकदम ज़ोरदार रहा। आपका एक्सपीरियंस कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और एक बार यहाँ ज़रूर आना और लाइट शो ज़रूर देखना, बहुत ही बढ़िया है। वंदे मातरम, ओम सूर्याय नमः, हर हर महादेव। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।